बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, यह स्लोगन 2015 के समय दिया गया था। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ गए थे, इसके बाद वे फिर से एनडीए गए। लगभग 5 साल एनडीए में रहने के बाद अब दोबारा से महागठबंधन में आ गए। सियासी गलियारे में अब यह कहा जाने लगा है कि बिहार में कोई भी सरकार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। महागठबंधन की सरकार बनी तो जेडीयू कार्यालय में बड़ा सा बोर्ड लगा, उस पर लिखा गया नीतीश कुमार सबके। लेकिन इसी नीतीश कुमार से फरियाने को लेकर अब बीजेपी मिशन बिहार में जुट गई है। हालांकि वह जुट तो पहले ही गई थी, लेकिन तब उसे बाहर से आरजेडी तो अंदर से नीतीश कुमार से लड़ना पड़ रहा था। लेकिन अब मैदान में बीजेपी फ्रंट फुट पर से बैटिंग करने को बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी का मिशन बिहार किन का है, नरेंद्र मोदी का या फिर अमित शाह का। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार के गिरने के पहले जल्दी जल्दी 2 बार अमित शाह बिहार आए थे। सरकार गिरने के बाद वे फिर से बिहार आ रहे हैं। अप्रैल में कुंवर सिंह की जयंती पर अमित शाह आरा आए थे, जबकि पिछले महीने की 30 जुलाई को पटना आए थे। तब बीजेपी का 2 दिवसीय शक्ति प्रदर्शन था। अमित शाह के बिहार के दोनों ही दौरों में बिल्कुल चुनावी मूड दिख रहा था, और इस बार जहां आ रहे हैं वह तो बिल्कुल मिशन बिहार का शंखनाद जैसा ही होगा। बीजेपी खेमे से मिल रही जानकारी के अनुसार 23 और 24 सितंबर को वे सीमांचल के दौरे पर आएंगे, वहां कार्यक्रम करेंगे और कहा जा रहा है कि 2024 का चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसी बीच नरेंद्र मोदी भी एक बार बिहार आए, विधानसभा में आयोजित शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए। लेकिन प्रधानमंत्री का यह दौरा सरकारी था। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन नई सरकार के बने लगभग 3 पखवाड़ा होने को है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुप है, वे न तो इस पर कोई बयान दे रहे हैं और न ही किसी तरह का कोई ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने इस पर किसी तरह का अब तक अधिकृत बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जुलाई में जिस तरह जेपी नड्डा और अमित शाह ने बड़ा कार्यक्रम करवाया और बिहार के लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों में अचानक पार्टी की एक्टिविटीज बढ़ा दी, इससे साफ जाहिर हो गया कि जल्द ही बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इस संकेत को समझने लगे थे कि यदि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी अकेले ही इन 200 सीटों पर मोर्चा संभालेगी। तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 200 क्या, बीजेपी को सभी 243 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। अमित शाह के बिहार दौरे के लगभग 1 सप्ताह के बाद यहां सरकार ही गिर गई। लेकिन बिहार को लेकर जिस तरह अमित शाह एक्टिव हैं और नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हैं, ऐसे में यह सवाल तो उठने ही लगा है कि मिशन बिहार के पीछे अमित शाह है या फिर नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह ही इस बार खुलकर बैटिंग करेंगे। दूसरा सवाल यह भी है कि सीमांचल से ही बीजेपी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी क्या। दरअसल बिहार में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान से झटका खाने वाला जेडीयू आरसीपी सिंह के मामले में अलर्ट हो गया था, और समय से पहले ही बीजेपी के चिराग मॉडल को भांप भी लिया था। इसके बाद तो पूरे देश ने देखा कि जेडीयू ने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को हाशिए पर ला दिया। तभी तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि भले ही अमित शाह बीजेपी के बहुत बड़े चाणक्य हो, लेकिन बिहार के असली चाणक्य तो नीतीश कुमार ही हैं, और वे अपने मजबूत सिपा सलार ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए साइंटिफिक तरीके से 2024 को फरियाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और साइड से आरजेडी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। सूत्रों की माने तो जिस तरह अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, उसी तरह नीतीश कुमार के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार है। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया। इस मिशन के तहत वह अपने बड़े नेताओं से बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करवाएगी, और इसका शंखनाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। 23 और 24 सितंबर को वे बिहार के सीमांचल के दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों के बिहार दौरे में वे सीमांचल में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से बात करते हुए की है। नित्यानंद राय के अनुसार 23 सितंबर को पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जबकि 24 सितंबर को वे किशनगंज में सभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि सीमांचल में आरजेडी और जेडीयू का गढ़ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां ओवैसी की पार्टी ने कुछ खेल किया था, लेकिन बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए।
इसमें एक तो इस बार मंत्री भी बन गए। बीजेपी का मेन मकसद है इस गढ़ में सेंधमारी करना। इसमें वह कितनी सफल होती है यह तो चुनाव के समय ही पता चल पाएगा, लेकिन बीजेपी भी अब किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की ओर से सीमांचल में सेंधमारी का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। किस मुद्दे को उछालने से बीजेपी को फायदा होगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज ही अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जानबूझकर पूर्णिया और किशनगंज में रैली करना चाहते हैं ताकि समाज में तनाव को बढ़ाया जा सके। उनका एजेंडा भी वैसा ही रहता है। देखे नहीं थे पश्चिम बंगाल में कौन सा तिकड़म नहीं लगाया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिहार में भी कुछ नहीं होगा। बीजेपी वाले कितना भी नाक पैर रगड़ ले, बिहार में अब इनकी दाल नहीं गलेगी। अमन चैन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे बिहार के लोगों पर इनके कुत्सित प्रयासों का कोई असर पड़ने वाला नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, महागठबंधन की सरकार के आगे बीजेपी की दाल बिल्कुल ही नहीं गलेगी। अब आप खुद सुन लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर अपने वीडियो मैसेज में क्या कुछ कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे, कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। अभी तो बगल का प्रदेश पश्चिम बंगाल में लोग कुछ दिन पहले देख लिए ना, कितना कुछ किया इन लोगों ने, क्या क्या हवा बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब बिहार में भी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के सामने उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। वो करेंगे सब कुछ जो भी उनके मन में आवेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जो महागठबंधन चाहेगा वही बिहार में। सर, अभी लोकसभा चुनाव में देरी है, लेकिन अब पौने दो साल पहले अमित शाह का एक बड़ा रैली क्या संकेत देता है? नहीं, कोशिश उनकी ओर से है, कोशिश उनकी ओर से। और देखिए ना, वो कहाँ जगह का चुनाव कहाँ कर रहे हैं, जगह का चुनाव किया है वहाँ पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ आसपास में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। तो जानबूझ के टारगेट करते हैं ना कि कुछ इस तरह की बात करो ताकि समाज में तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांट दो। तो यह उनकी कोशिश है, और सीधे दिख रहा है कि उनकी पहली रैली जो अब होने वाली है उसके जगह का जो चुनाव उन्होंने किया है, इससे साफ है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी लोग कोशिश करेंगे, बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे, विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है और राजनीति भी ठीक से हो जाएगी। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है और आगे भी राजनीति चल रही है। बहरहाल 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसमें जेडीयू की 16 सीटें हैं तो बीजेपी की 17 सीटें शामिल हैं। यदि राजनीति के नए परिवेश में चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो एनडीए के पास 23 सीटें हो जाएंगी। लेकिन चिराग ने जो संकेत दिए हैं उससे उनकी चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ पटरी बैठनी मुश्किल है। बीजेपी सूत्रों की माने तो 2024 की लड़ाई में पार्टी कम से कम 35 सीटों को टारगेट करके चल रही है। अमित शाह का महागठबंधन सरकार के बाद का यह पहला बिहार दौरा है और इसे इसी का अहम पार्ट माना जा रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इसे लेकर अब महागठबंधन की क्या रणनीति होती है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।